नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आगामी 23 जून को होने वाले लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। हालांकि पार्टी रामपुर में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बसपा के प्रदेश इकाई की 2 दिवसीय जिला और मंडल स्तरीय समीक्षा बैठकों के बाद पार्टी प्रमुख मायावती ने रविवार को यहां जारी एक बयान में कहा, बसपा समिति संसाधनों वाली पार्टी है जिसका मुकाबला बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के धनबल पर चलने वाली विरोधी पार्टियों की साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से लगातार होता रहा है। इसलिए पार्टी और इसके जनाधार कोई नुमाइश और शाह खर्ची वाली बैठकों से दूर रहकर छोटी छोटी कैंडर बैठकों के बलबूते मजबूत बनना होगा। बयान के मुताबिक बसपा के कैंडर बैठक में उत्तर प्रदेश में आगामी 23 चुनाव को होने वाले लोकसभा उपचुनाव में एक सीट पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया गया है। इसमें कहा गया है कि बसपा आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव लड़ेगी लेकिन रामपुर लोकसभा सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि रामपुर क्षेत्र में पार्टी को अभी और मजबूत बनाने की जरूरत है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा वहां उम्मीदवार जरूर उतारेगी। गौरतलब है कि सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित होने के बाद आजमगढ़ के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां रामपुर से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद रामपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इन नेताओं के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई 2 सीटों पर 23 जून को उपचुनाव के लिए मतदान निर्धारित है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।